नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। रामनगर में शहीद चौक लखनपुर से लेकर भगत सिंह चौक भवानीगंज तक विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के अलावा बेरोजगार युवाओं ने पैदल मार्च निकालते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए देहरादून में प्रदर्शन करने वाले युवा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा देने की मांग की है। बता दें कि भगत सिंह चौक भवानीगंज में हुई सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक साल के भीतर जो भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनमें कहीं न कहीं घोटाले हुए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक में इन सभी मामलों की सीबीआई जांच कराने के साथ साथ प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने और उनके बिना शर्त रिहाई करने की मांग करते हुए लाठीचार्ज करने वाले पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। प्रदर्शन का हमारा जो मामला है वो ये है कि पिछले 4-5 दिन से देखा गया है कि देहरादून में बॉबी पवार और उसके साथी लोग और सभी छात्र जो विरोध कर रहे हैं वो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। लगभग एक महीने पहले पटवारी की परीक्षा कराई गई थी, वो लीक हुआ है। उससे भी पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली जो कल को जो परीक्षा होनी है 12 तारीख को या अप्रैल में जो परीक्षाएँ हैं वो परीक्षाएं लीक नहीं हो सकती। किस बात की गारंटी है? एसटीएफ हो चाहे किसी भी प्रकार की संस्थाओं में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लोक सेवा आयोग हो चाहे UK SSC आयोग हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हम सभी छात्र उत्तराखंड के और देहरादून में बस सीबीआई जांच चाहते हैं और जो बॉबी पवार को कल जो गिरफ्तार किया गया है, उसके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उसको बिना किसी धारा लगाए रिहा किया जाए। और ये जो कल 12 तारीख को परीक्षा होने वाली है पटवारी की, उत्तराखंड सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया है और निरस्त हम नहीं करवाना चाहते हैं, हम केवल उसको पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। 2 दिन पूर्व देहरादून में बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को रामनगर में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा बेरोजगार युवा व युवतियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। युवा और बेरोजगारों का कहना था कि सरकार ने जो लाठीचार्ज किया उसकी निंदा किया और उन्होंने इस मामले में जो भी छात्र गिरफ्तार किए गए उनको बिना शर्त रिहाई की उनकी मांग की है। साथ ही वक्ताओं ने कहा है कि सरकार जिस प्रकार बेरोजगारों का दमन कर रही है उन्होंने इसकी निंदा करते हुए धामी सरकार से के खिलाफ कई कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि कल 12 फरवरी को पटवारी की जो परीक्षा होने वाली है उन्होंने उसमें भागीदारी न करने की अपील की है और जो परीक्षा लीक हुई है उनकी सभी सीबीआई जांच करने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड।